टायर बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए उत्तराखंड ब्लॉग में। शुरुआत करते हैं आपका दिन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ और इस पे लगे हुए बादलों के साथ। सुबह के कुछ 6:30 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे हमें उठाकर भेज दिया है प्लेन में, तो हम सीधा यहाँ पे रोड पे पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ से अपनी बहन के घर पे। कुछ सेलिब्रेशन पार्टी है वहाँ पे और हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है हमारी, तो इतना पहाड़ चढ़ने की हमें आदत नहीं है। हम ठहरे दिल्ली के लड़के, 10-20 कदम चढ़ने के लिए भी हमें लिफ्ट चाहिए होती है और यहाँ पे ये सीधा पहाड़ों में चढ़वा रहे हैं 4-4 किलोमीटर। पर अच्छा है, अपना हेल्थ का पता चल जाता है। और इनके स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो जो भी टीचर इनके ये वीडियो देख रहे हैं, अब से इनको पनिशमेंट देनी हो तो एक काम करना, दोनों भाइयों को फ्रंट में बुलाकर इनको बलभैजी के डायलॉग बुलवा देना। एक भाई बलभैजी के डायलॉग मारेगा और एक वाह वाह ही करता रह जाएगा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया, मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाजा। और ये पहाड़ की गोद पे बना हुआ एक खूबसूरत सा स्कूल, यहाँ पे पढ़ने का तो मजा ही अलग आता होगा। वादियों के साथ, नज़ारों के साथ पढ़ाई, क्या बात है। हमें तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला, मिस करते हैं वो दिन जब हम छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, रोआ करते थे। चलो बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है जिंदगी में। मुझे निसी डांड काटी छोया चमटों को पानी, गहरी गहरी घाट बीच मिठू गंगा जी को पानी, हरी भरी सारो बीच लया पैया का फूल, हरी भरी सारो बीच लया पैया का फूल, यख घुगती भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं मरचूला और मरचूले के ब्रिज की ओर हम जा रहे हैं। ओह वो बंदर भी है वहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। ब्रिज में खूब चहल करेंगे, बसों का आगमन, कॉन्क्रीट बस, ऊपर खूबसूरत सा पुल और नीचे रामगंगा बहती हुई। और रामगंगा अभी उफान पे है, ऊपर शायद पहाड़ों में बारिश हुई है तो नदी में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ मेरे पीछे देखिए पूरा मटीला सा पानी और बहुत तेज बहाव। पहाड़ों से ऊपर जाने का रास्ता हरियाली से होते हुए पहाड़ों को चीरता हुआ एक रोड जाती हुई, तो अभी निकलेंगे यहाँ से आगे मनाली मनाला, पता नहीं क्या क्या है, उल्टा दिख रहा है। हाँ ये होटल, और इस होटल के नज़ारे कहाँ है, होटल दिखता भी नहीं है। यहाँ से आगे निकलना अभी रामनगर की ओर, ये पूरा बोर्ड देख लो। अपना पता जिंदगी। और यहाँ पे अभी टायर की हवा थोड़ी कम हो गई हमारी, टायर पे हवा भरवा रहे, उसके बाद शुरू करेंगे आगे का सफर अपना। में देखिए क्या जंगल है, पूरा कॉर्बेट का जंगल है, और बाहर ऐसे घूमना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपनी गाड़ी के पास रहे। टायर बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, टायर भर रहे, देखते हैं कितनी देर में पड़ता है। तो अभी मैं ट्रैवल ही कर रहा था तो इतने में ड्राइवर भाई ने हमारे इतने सही सॉन्ग लगाए ना उत्तराखंड के, मज़ा आ गया सुनकर। तो वो कुछ यादें मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी हुई हैं, उनको यादों को देखो और फील करो। जब भी उत्तराखंड आओ ये वाले गाने जरूर लगाना अपनी गाड़ी में, मजा ही अलग आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रन लो,
रहने को बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। बारिश स्टार्ट हो गई है, निकलते हैं घर को और घर पे जाके एडिट भी तो करनी है फिर वीडियो। देवभूमि यानी देवों का घर, यम देवों के छाव में है बेफिकर से, ऊंची आवाज में देवों को पूजते, डरते न साड़ क्योंकि हम उत्तराखंड से, हर जमीन पे पर फिर भी ऊंचाई में रहते हम, ठंडी हवाओं का नशा मैं खींचू